नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके के अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, अगर भी आप भी राजस्थान पुलिस भर्ती 2019 के अभ्यर्थी हो तो दोस्तों आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आऊँ। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। लाखों अभ्यर्थियों का यहाँ पर इंतजार खत्म हो चुका है जो राजस्थान पुलिस भर्ती 2019 का इंतजार कर रहे थे। तो दोस्तों आपकी ऑफिशियल का नोटिस आ चुका है। दोस्तों मैं आपको दिखाने वाला हूँ कब से आपके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं, साथ में इस बार आपकी योग्यता क्या रखी गई है, साथ में सिलेबस में क्या बड़ा चेंजेस किया गया, भर्ती प्रक्रिया में क्या बड़ा चेंजेस इस बार किया गया है। क्योंकि दोस्तों पिछली जो आपकी भर्ती उतनी बड़ी भर्ती आपकी इस बार आने वाली है, लगभग 11,000 पदों पर आपकी भर्ती होगी, जो 11,000 पद लगभग कांस्टेबल के, और उसके अलावा यहां पर 700-800 के लगभग पद है वो एसआई के भी यहां पर आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप ग्रेजुएट हो तो एसआई का भी फॉर्म फिलअप कर सकते हो, और 8th और 10th पास वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। जी हां दोस्तों, अब की बार जो आपकी भर्ती हो 8वीं और 10वीं पास दोनों के लिए यहां पर कांस्टेबल की भर्ती आ चुकी है। पिछली भर्ती में बहुत सारे अभ्यर्थी मात्र बी पार्ट में दोस्तों 0 पॉइंट कुछ से रहने के कारण दोस्तों सेलेक्ट नहीं हो पाए, तो उनको वापस इंतजार था कि नई भर्ती कब आएगी, क्योंकि दोस्तों उनकी बहुत अच्छी तैयारी थी, तो उनका इंतजार खत्म हो चुका है। आपकी नई भर्ती आ चुकी है, कब से आपके फॉर्म फिलअप होने वाले, सारी मैं जानकारी आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करवाने वाला हूं। तो दोस्तों आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, साथ वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन भी प्रेस कर ले, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। क्योंकि दोस्तों राजस्थान पुलिस भर्ती 2019 से रिलेटेड कोई भी अपडेट कोई भी नोटिस आता है तो उसकी जानकारी हम आपको सबसे पहले प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो चलो दोस्तों देखते हैं सारी जानकारी। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको वो नोटिस दिखा देता हूँ जो आपके फर्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान पे आया है, जो आपको पुलिस मुख्यालय के द्वारा ये सारी सूचना है फर्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान उसको दी गई है। तो अगर बात करें तो पुलिस मुख्यालय 11,500 पदों पर करेगा भर्ती, आवेदन की प्रक्रिया 1 सितंबर से। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, आपके पुलिस मुख्यालय से 11,500 पदों पर यह भर्ती होने वाली है, और भर्ती आवेदन की प्रक्रिया भी बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाली है, मतलब 1 सितंबर से आपकी भर्ती प्रक्रिया यहाँ पर स्टार्ट होने वाली है। 10,440 आपके कांस्टेबलों पर पदों पर भर्ती होगी, साथ में 1,060 पदों पर आपके सब इंस्पेक्टर की यहां पर भर्ती होने वाली है। भर्ती पुलिस मुख्यालय जल्द जारी करेगा नोटिफिकेशन, बहुत जल्द अब जारी होने वाला है नोटिफिकेशन आपका, परीक्षा जनवरी माह के अंतिम सप्ताह में। तो आपकी मतलब मैं सारी जानकारी दोस्तों बता देता हूं आपको स्टेप बाय स्टेप। तो यहां आपकी बात करें तो आपकी जो फॉर्म फिलअप की तारीख है दोस्तों वो उन्होंने अनाउंस कर दी है, 1 सितंबर से आपके ऑनलाइन फॉर्म यहां पर स्टार्ट हो जाएंगे। एग्जाम डेट भी घोषित कर दी गई है, एग्जाम आपका कब होने वाला है। दोस्तों सिलेबस में इस बार क्या बड़ा चेंजेस किया गया, साथ में योग्यता में इस बार क्या बड़ा चेंजेस किया गया, तो दोस्तों मैं बता देता हूं, अभी तक इनमें कुछ भी चेंजेस नहीं किया गया, सेम पहले की प्रोसेसिंग रखी गई है। अगर आप 8th पास हो 10th पास हो तो आप इस भर्ती के लायक हो, मतलब आप इस भर्ती में फॉर्म भर सकते हो। डिस्ट्रिक्ट वाइज आपकी जो भर्ती है दोस्तों वो डिस्ट्रीब्यूट आपकी लिस्ट है वो जल्द ही आने वाली है, जैसे आपका नोटिफिकेशन आएगा आपकी लिस्ट भी जारी हो जाएगी कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपकी बार कितनी आपकी भर्ती आई है, साथ में आपकी आरएससी में कितनी आई है, ड्राइवर की कितनी आई है, साथ में बैंडमैन की आपकी कितनी भर्ती आई है, अलग अलग कैटेगरी वाइज ये भर्ती आने वाली है। टोटल 11,500 पदों पर आपकी भर्ती होने वाली है, और आपका एग्जाम है वो जनवरी माह में होने वाला है, मतलब दोस्तों अब आपके पास में ज्यादा टाइम इस बार नहीं मिलने वाला है, क्योंकि सितंबर में आपके फॉर्म फिलअप होने स्टार्ट होंगे, तो लगभग आपका सितंबर पूरा आप मान सकते हो 1 सितंबर से स्टार्ट होगा, तो लगभग आपका 1 अक्टूबर तक आपके यहां पर फॉर्म फिलअप होंगे, और उसके बाद में आपके पास में नवंबर और दिसंबर मात्र 2 महीने ही रहेंगे तैयारी के लिए। तो आपको किस प्रकार तैयारी करना है दोस्तों, जैसा कि अगर आपने पिछले साल का पेपर दिया तो आपको नॉलेज है, आपको पता भी है कि किस प्रकार तैयारी करना है। बी पार्ट है, बहुत ज्यादा अभ्यर्थी जो फेल हुए थे दोस्तों, इसका कारण क्या था, क्योंकि उनकी जो बेसिक क्लियर नहीं थी, साइंस का बेसिक क्लियर नहीं था, साथ में साइंस का लेवल भी थोड़ा ठीक ठाक आया था, अच्छा आया था, तो इस कारण बहुत सारे अभ्यर्थी वो बी पार्ट में पास नहीं हो पाए। क्योंकि राजस्थान पुलिस में दोस्तों प्रक्रिया में, भर्ती प्रक्रिया में एक अलग भर्ती प्रक्रिया प्रणाली अपनाई जाती है, जिसमें आप यहाँ देख सकते हो अलग अलग पार्ट में आपको पास होना पड़ता है। अगर आप सभी पार्ट में पास होते हो तभी आपका सिलेक्शन वहाँ पर लिया जाता है, अन्यथा अगर आपके चाहे कितने भी नंबर हो आपको नहीं लिया जाता। अगर आप एक पार्ट में भी आपके नंबर कम बन रहे तो क्वालिफाई जो मार्क्स है उनसे अगर आपके कम नंबर बन रहे हैं तो दोस्तों आपके लिए बहुत बड़ी बात है। फिजिकल की बात करें दोस्तों, फिजिकल में भी अभी कोई चेंजेस नहीं किया गया, वही आपके 5 किलोमीटर की रेस होने वाली है और वही आपके रनिंग का नंबर इस बार भी जुड़ने वाला है। तो दोस्तों आपके लिए बहुत अच्छी बात है, आपकी अगर रनिंग अच्छी है और आप पेपर में अच्छे नंबर लेके आ रहे हो तो दोस्तों आपका सिलेक्शन 110% यहां पर होने के चांसेस बनते हैं।
तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो 1 सितंबर से ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसका जारी होने वाला है, मतलब 1 सितंबर से फॉर्म आपके फिलअप होंगे, तो लगभग अगस्त लास्ट में आपका नोटिफिकेशन आउट कर दिया जाएगा राजस्थान पुलिस द्वारा, ऑफिशियली आपका नोटिस जारी हो जाएगा, लिस्ट भी जारी हो जाएगी कौन से जिले में कितनी वैकेंसी इस बार आई है, कैटेगरी वाइज आपके जनरल ओबीसी एससी एसटी अक्सर्विसमैन सभी की और गर्ल्स और मेल और फीमेल सभी की आपकी लिस्ट है वो जारी होने वाली है। दोस्तों ये थी मेरे द्वारा दी गई छोटी सी जानकारी, दोस्तों आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे तो चैनल सब्सक्राइब कर, साथ तो बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि आपको राजस्थान पुलिस भर्ती 2019 से रिलेटेड पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।